जिज्ञासा के माध्यम से खुशी बस टी आर एस क्लिप्स हिंदी हैपीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्त शायद आ, आपके सारे गाने आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं अभी मुझे कुछ कुछ आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल अभी मुझे में कहीं भी वैसे ही है हाँ नाउ इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पता था ये इंट्यूशंस ओके मतलब मैं लिटरली अभी मुझे। आई नो आई देयर इज मेरे ऐसे ऐसे हो जाता कभी कभी मेरे को नेक्स्ट सामने वाला क्या बोलने वाला मालूम पड़ जाता कभी कभी ये गाने की वजह से हुआ है अकॉर्डिंग टू मी मतलब आई फील की कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ क्योंकि आप कॉन्सेंटली उस मेडिटेटिव स्टेट में जाकर गा रहे हो रणवीर ये भी नहीं है मैंने बहुत सारे मुझसे ज़्यादा तैयार और बहुत ज़्यादा सिंगरों को बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें करते हुए देखा है कला का आ, समझ से कोई समझ नहीं है कला किसी एरोगेंट इंसान को भी मिल जाती है वो भी ऐसे गा रहा होता है कि लगता है ये भगवान सुनने वाले हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं उसको सिर्फ घमंड ही हो रहा है मैं नाम मैं बिना कभी होंगे तो मैं नाम लूँगा तुम्हें बताऊँगा मैं ये बात ये तो अलग है कला का आ, समझ से या विजडम से कोई संबंध नहीं है ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को मैंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों को करते देखा है कि शर्म आ जाती है यहाँ कह, कह सकता तो मैं कहता मैं कभी जब हम खुद मैं बताऊँगा तो हैरान हो जाओगे कि, कि किस कलाकार ने क्या वकवास किया और रियाज उसने हमसे ज़्यादा किया होगा म्यूज़िक के मामले में वो हमसे ऊपर होंगे मैं वही नहीं बनना चाहता था मैं वही मुझे क्रॉनिक सिंगर नहीं बनना मुझे अपने ऊपर अपने गांठे खोलनी थी मुझे ज़िंदगी में मेरी जो गांठे हैं एनवी की जेलसी की आ, एंगर की वो हैं अभी भी वो जब तक मैं सोनू निगम हूँ ना तब तक वो रहेंगी मुझे पता है वो कभी भी वो जब मैं मरूंगा तब मैं उसे खा लूँगा कोई भी इंसान बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वक्ता ने बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं मैं मानता हूँ जैसे ओशो मेरे उस्ताद है ओशो मेरे गुरु हैं मैं उनकी हर बात को समझ पाता हूँ पर उनके जीवन में जो जो उनका जो जो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ बट आई डोंट जज हिम फॉर दैट इज़ ह्यूमन बीइंग वैसे ही जब तक मैं हूँ मुझ मेरे अंदर में वो सब खलिश थोड़ी बहुत रहेगी खलिश नहीं कह सकते गांठें रहेंगी तो उस पर मुझे काम करना है लेकिन इसका कोई संबंध मेरे गाने से या रियाज से नहीं है ये मेरी अपनी अनुभूति से है मैंने औरों से क्या सीखा मैंने किताबों में क्या पढ़ा मैं क्या सुनता हूँ चाहे वो पॉडकास्ट में हो चाहे वो और चीज़ों में हो मैं क्या सुनता हूँ उस पर डिपेंड करता है सर म्यूज़िक की शेल्फ़ लाइफ शायद मूवीज़ से भी ज़्यादा लंबी रहती है अकॉर्डिंग टू मी मूवीज़ की शेल्फ लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है पर म्यूज़िक की शेल्फ लाइफ शायद इट इट कैन गो टूवर्ड्स हंड्रेड टू according अभी तो हमें देखना बाकी है अभी तो जाके ऐसी प्रणाली आई है जहाँ हम म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर पाएंगे कर रहे हैं मतलब और उसको रख पाएंगे पुस्तरित तक इसके पहले तो ये दुनिया थी ही नहीं सिर्फ रात जो हम बंदिशें गाते हैं कुछ तो हमें मालूम है कि ये मियाँ की मल्हार की बंदिश है तो कहते हैं कि तानसेन मियाँ ने बनाई थी इसे तो हम अभी भी सुनी सुनाई बातें हैं mm. है कि नहीं हमें क्या पता इट्स लाइक रिलीजन हमें हम किसी और की बात को सुन के लड़ते हैं रिलीजन पे हमारा धर्म ये हमारा मज़हब ये तो ये भी बातें वैसी है सुनी सुनी बातें मान लेते हैं अब फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी हैज़ रिकॉर्ड्स कि ये गाना नाइनटीन में ही रिकॉर्ड हुआ था शकील बदायूनी ने ही लिखा था नौशाद ने ही बनाया था और मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था तो अब देखा जाए कि 500 साल के बाद में ये गाने कितना 500 साल के बाद में लोग याद करेंगे कि 500 साल पहले 1951 में ये गाना ऐसा आया था या 2003 थाउजेंड थ्री में सोनिकन में जावेद अख्तर ने शंकर सालो ने आ, कल हो ना हो में गाना दिया था ये 600 साल के बाद में ये रहेगा लोग याद करेंगे या नहीं दैट्स फॉर देम टू सी आई मीन जो आप कह रहे थे कि आपकी लाइफ का पर्पस ये है कि आपको वो नॉट्स खोलने हैं गांठें खोलनी है तो आई मीन तोपज नहीं है एक निरंतर एक वो है मतलब एक एक क्रियाज है जो मैं करता हूँ अंदर ये दुनिया भी देखेगी नोटिस करेगी इसे स्पेशली हम जब मैं चला जाऊंगा जब आप चले जाओगे, hmm. उसके सौ साल बाद ये इंटरव्यू रहेगा uh. गाने रहेंगे hmm. लोग गेज करेंगे कि ओके दिस इज दिस वॉज द आर्टिस्टिक जर्नी ऑफ दिस सोल ये मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट का पर्पज होता है कि पीछे कुछ ऐसे छोड़ दो जो दुनिया को बदल दे आपके बाद और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि मेरे में कलोना हो Hmm. की से कुछ बदला है But. <laughs> uh, मैं बात नहीं करता था उनसे बट वो मूवी देखने के बाद uh, गाना सुनने के बाद मैं बहुत क्लोज हो चुका हूँ मदर टू मी नाउ बट आई फील की म्यूजिक का ये रोल रहता है किसी की लाइफ बिल्कुल म्यूजिक का कोई भी आर्टफॉर्म का चाहे वो लिखावट हो अच्छी पोइट्री हो शेर व शायरी हो अगर अच्छे लेवल की होगी तो वह आपके रूह को कहीं ना कहीं स्टर करेगी वो ऊपर ऊपर के लेवल पर होगी तो फिर आप एंजॉय करेंगे <laughs> ग्रूव टू इट यू चिल चिल अच्छे लेकिन जब कोई चीज़ गहरी बनती है तो वो शडर्स देती है अंदर तो थैंकफुली ऐसी कई चीज़ें मेरी जिंदगी में हुई है वेरी हैप्पी किस्मत है भगवान ने बहुत अच्छी दिया है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आई हैं अभी भी जैसे जो हम अभी काम कर रहे हैं जो बिटर बिटरी गाना आया है या इसके पहले मैंने लाल सिंह चेटा में जो गाना गाया है अच्छी शायरी है अच्छे गाने हैं अच्छी अच्छी फीलिंग है सो आई बिन लकी गॉड इज स्टिल गिविंग मी गुड वर्क एंड क्लासी वर्क ओके इस लूप को एंड करने के लिए मैं अभी मुझ में कहीं के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, था? मेरी मम्मी uh, जाने वाली थी उस समय और मैं मेरी मम्मी को जैसे आप अपनी मम्मी को हर कोई इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है मेरी माँ अच्छी औरत बहुत बहुत उन्होंने सिखाया थैंक यू बोलना स्माइल करना लोगों को पैर छूना और अपने काम पे मेहनत करना हनुमान चालीसा याद करना ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में एक एंकर बन के आई हर उसमें सिद्धि विनायक जाना हर मंगलवार को जो शुरू में ग्यारह दिन तक ऐसे करना तो फिर बारहवें हफ्ते कुछ होगा ऐसी ऐसी बातें मम्मी ने बताई तो कुछ यार व्यूज इंटरनल इम्पैक्ट इन माई लाइफ तो वो बेचारी बहुत तड़प तड़प तड़ के कैंसर में गई हैं तो जिन दिनों ये गाना आ, आया uh, मैंने जब गाया था तब तो बीमार थी ही ऑलरेडी वो बट शी वॉज स्लाइटली इम्प्रूविंग दे वॉज सम होप लिटरली तब uh, अभी मुझ में कहीं बाकी उसके बाद में वो जब वो गाना आया तो शी वॉज तब कोइंग डाउन हिल तो मुझे सारे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे एक अवार्ड को छोड़ के तो मैं हर बार आता था मम्मी बिस्तर में बैठती थी ऐसे मुँह पतला हो चुका था मम्मी को मैं ऐसे अवार्ड लग देता था हाय बेटे हाय बेचे बेटा और हम रोते थे कि ये जा रही है देखो बस कुछ टाइम के लिए मेहमान है मानने को तैयार नहीं था दिल उस समय बहुत दुखी टाइम था मेरे लाइफ का उस समय मैं शोज़ के पहले रोता था क्योंकि कॉन्सर्ट कौन तो करनी पड़ते थे, थे मुझे हमेशा मेरा काम ही ये है भगवान ने मुझे इसलिए पैदा कर रखा है कॉन्सर्ट पर जा रहा हूँ रो रहा हूँ फिर आ रहा हूँ वापस रो रहा देन आई रियलाइज दैट डे यू नो ओ गॉड यू इन माई वर्क तू तू मेरे काम में रहता है यार जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ उतरता हूँ तो मम्मी याद आती है स्टेज पे जाता हूँ तो फिर सब चल रहा है जंप मार रहा हूँ डांस कर रहा हूँ खुश हो रहा हूँ लोगों को हंसा रहा हूँ जोक कर रहा हूँ तो वो सब चेंजेस में तो तब मालूम पड़ा कि स्टेज पे जाके मैं क्या होता हूँ स्टेज के पहले मैं क्या होता हूँ माँ के साथ में क्या हूँ और कुछ घर में भी चल रहे थे मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहे थे गंदे वाले इशू चल रहे थे तो वो थोड़ा मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था जब ये गाना आया था ओके okay. hmm. जब आप ऐसे गाने गाते हो आप विजुलाइज क्या कर रहे हो तो विजुलाइज नहीं करना पड़ता यू यूसो डीप पर्सन आई अंडरस्टैंड अपने आप को खोना पड़ता है खोना पड़ता है वो फिर देना पड़ता है एक टाइम था जब हम लोग टेक्निक पे जाते थे अब uh, मरना पड़ता है उस <laughs> उस समय के लिए मरना पड़ता है कि तू दे मालिक अभी मैं लेटमी बी ए वैसल लेट मी बी ए मीडियम मुझे तुझे आउटस्मार्ट नहीं करना अब वो कल होना से पहले तक मैं करता था देन आई लर्नड ग्रेजुअली कैसे काम में विलीन हो जाना टाविजम में भी कहते हैं ना वर्क बिकम्स द वर्कर एंड द वर्कर बिकम्स वर्कर वाह सिंगर बिकम्स अ सॉन्ग एंड द संग बिकम्स अ सिंगर तो अब मैं उस स्थिति में हूँ मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं जब मैं अपने काम में घुसता हूँ जो कि हमेशा घुसता हूँ मैं अब मैं सोचता नहीं हूँ मैं बोलता हूँ दे तूने पैदा किया है तूने कान दिया है तू ही देगा तू ही लेगा तू ही लेगा कुरान में कहते हैं वतु इ्ज्ज़ मंतशा व तो झल्ल्लुमंतशा तू इज्ज़त देगा तू ही ज्लत देगा इज्जत दी तूने तूने ज़िल्लत दी तेरे पे है मेरा काम अच्छा करना तेरे पे डिपेंडेंट है अभी मैं अमेरिका में ट सुबह मेरा पहला क्योंकि आप आपके आंसर्स बहुत लंबी नहीं होते थे मैं, मैं जानता हूँ लोगों को आपकी बातें सुननी है तो खुल के बता दो <laughs> तो हमने अभी नौ नौ सिटी टूर किया अमेरिका में जी? अमेरिका में अभी मैं आया कुछ पंद्रह बीस दिन पहले मैं आया था बहुत ही डिवाइन टूर बहुत ही अच्छा टूर कई शोज में शो के बाद में आके फुट फूट के रोता था मैं कि ये क्या हो रहा है ये क्या मतलब तूने क्या कर्म किया होंगे सोनो निगम ये जो तू देख रहा है 46 इयर्स से तू स्टेज पे गा रहा है इकतीस साल से तो मुंबई एंजॉय कर रहा है इकतीस मतलब नहीं बत्तीस साल से मैं मुंबई आया हुआ हूँ और मैं आज भी इंजॉय कर रहा हूँ लोग खड़े हो रो रहे हैं मैं गा रहा हूँ इसके पहले वो चिल्ला रहे थे डांस कर रहे थे और मैं खाड़ा मैं गा रहा हूँ और ये ख़त्म किया शो मैंने सब रो रहे ऐसे रो रहे लास्ट शो में लॉस इंजल्स में शो था मैं, मैंने बोल दिया वही कि मालिक तू देगा मैं अपना बेस्ट दूंगा शो खत्म हुआ स्टेज में मैं गा रहा हूँ और ऐसे गाते गाते मेरी आंखों में आंसू आँसू आ रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ पब्लिक हूं। और चला रही है, और चला रही है। मैंने अब मैं पीछे जाके रोंगा मैं गया control. तो मेरा प्रमोटर दर्शन जी ने मुझे। वो रो है। रहे हैं भयंकर मैं भी रो रहा फिर मैं गया रूम, रूम में जाके भी रोंगा रूम में गए तो पापा बैठे होते पापा के सामने कैसे रोए पापा ने भी पापा और मैं ही गा रहे थे उस शो पे तो पापा हाँ अरे बेटा वेरी गुड शो मैं बोला आप यहाँ हो वरना अभी मैं रोता अरे नहीं 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 समझ सकते हैं इतना शो करते हैं वो सडनली ऐसी वन ऑफ माई बेस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड जो संजय चितले वो आ रहे आंखों में आंसू लेकर रणवीर वो सीन अगर कितने रिकॉर्ड किया होता ही केम विद आइस एंड आई स्टार्टेड बैफलिंग मैं रो रहा हूँ वहाँ पे दर्शन जी रो रहे हैं वहाँ पे प्रीतो जी रो रही है रॉकी रो रहे हैं यहाँ पे संजय चितले रो रहे हैं बंटी बहल मेरे मैनेजर वो रो रहे हैं द होल रूम वॉज क्राइंग इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा काम का जिस काम में आपको खुशी मिले वो तो अच्छा है ही जिस काम में खुशी के साथ आपके आंसू ऐसे बहें इससे बड़ी डिविनिटी लाइफ में क्या हो सकती है ये स्टेज है हमारे इस समय बीइंग का जो मैं काम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी मैंने मराठी गाना कर रहा था मैं चार दिन चार पाँच दिन पहले वो गाने का मैंने एक आलाप लिया लास्ट का मैं ही मैं ही विफल गया मुझे मालूम है मैं क्या क्या हो क्या रहा है ये मैं नहीं कर रहा ये मुझे मालूम भाई हो क्या रहा आई स्टार्ट आज दिन टू शट द माइक्रोफोन मैं पीछे गया मैं पहले खूब रोया रोया फिर माइक मैंने लास्ट के चार दिन गए ये स्टेट ऑफ बींग चल रहा है काम का इतना अच्छा है कि अब तो मृत्यु भी स्वीकार जब मात खड़ी उस पार। <laughs> फ्लो स्टेट के भी होते हैं और एज के साथ शायद आप डीपर फ्लो फ्लो स्टेट्स तक पहुंच रहा हूँ आई एज के साथ में लेकिन हाँ समय के साथ में मैं कहूँ एज तो मैं इस, मतलब मैंने तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐज के लोगों को मैंने इतनी बचपने वाली बातें करते हुए देखा है बट हाँ समय के साथ में मैं कहना सही समझूंगा कि मैं जिस उम्र में हूँ उसकी बात उसकी वजह से नहीं लेकिन ओवर द ईयरस जो मेरे अंदर में जिस तरह मैंने अपने आप को अलाउ किया है नेचर को मुझे ट्रीट करने के लिए जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं गिव मी दिस मेडिसिन नाउ यू नो इंजेक्ट मी दिस इंजेक्शन हम क्यों बोलेंगे डॉक्टर को भाई डॉक्टर के पास गए क्यों हैं हम तो मैंने अपने आप को नेचर के सपोर्ट कर दिया है तू बता क्या ठीक है मेरे लिए मैं तुझे नहीं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए मैं तुझे बताए नहीं कि औकात ही नहीं मेरी कि मुझे कहाँ जाना है पाँच साल के बाद मुझे क्या करना है तो दो चीज़ें होती हैं वो कहते हैं हम पढ़ते हैं ना वो सीक्रेट कि आपने जो सोचा मैनिफेस्ट कर दिया होता होगा होता है शायद मैं सिंगर बनना चाहता था तो मैं बन गया अब चॉइस आप पे है आपको डॉक्टर को बताना है ठीक होना कैसे ठीक होना या आपको देखना है कि डॉक्टर मुझे कैसे जल्दी ठीक करेगा आई विल रा नाउ अलाउ नेचर टू टू लीड मी मैं अब तैरूँगा नहीं hmm. मैं बहूंगा नदी अगर यहाँ जा रही है और मैं तैरने के लिए वहाँ जाना चाहता रहा हूँ तो मैं नहीं मेरे को जाना था वहां पे लेकिन नदी मुझे यहाँ लेके जा रही ना मैं जाऊँगा नदी यहाँ जा रही है मैं सिर्फ फ्लो करूँगा मुझे नहीं लड़ना नदी से मुझे यहाँ नहीं जाना जाना था मुझे लेकिन उसने मुझे बोला कि यहाँ तू नहीं चलेगा किसी कारण से वो बोले कि जा रही है मुझे समंदर की तरफ तुझे अल्टीमेटली समंदर में मिलना है ना ब्रह्म में मिलना है ना तो मत लड़ लेकिन वो वहीं जाने वाली है जहां तुझे जाना है जहां तुझे जाना, जाना, तुझे जाना चाहिए मत लड़ मत तेर मैं उस स्टेट में होगी। दोस्तों टी आर क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी हिंदी बहुत जल्द